और शर्त पर तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं। तो शनि की मौत को तुमने अपने फैसले की एक शर्त बना दिया है, तो सुनो, मैं खुद शनि को मौत दूंगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अभी नहीं, आखिर क्यों ज्वाला? शनि की मौत अभी और इसी वक्त क्यों नहीं? इसकी एक वजह है देवा, और मेरे फैसले की वजह का खुलासा मैं इस वक्त नहीं कर सकती। तो हमारा फैसला भी सुन लो, हम अभी इसी वक्त तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। हाँ ज्वाला। बादल, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। तो फिर ज्वाला, तुम्हें भी अपनी जिंदगी का खुलासा करना होगा। तुम्हें भी अपनी जिंदगी की किताब का एक एक पन्ना हमारे सामने खोलना होगा। तो तुम मेरी जिंदगी का एक एक वर्क, एक एक पन्ना पढ़ना चाहते हो? ठीक है, तो चलो मेरे साथ उस शख्स के पास, जिसके पास मेरा अतीत और मेरी जिंदगी का हर रहस्य, हर राज महफूज है। वहां से तुम्हें मेरे हर फैसले और रहस्य का जवाब मिल जाएगा। मेरे अतीत और मेरी जिंदगी का हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ आओ। रुक क्यों गए? यहां आओ। वहां देखो, वहां तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। वहां देखो, वहां तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम कहीं तुम देवा तो नहीं? और ये मेरा साथी अय्यार बादल है और मैं देवा ही, लेकिन हाँ देवा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब की केंद्र बिंदु है रूपमती। रूपमती यानी कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती हो? जानते ही नहीं, रूपमती की बहुत एहसान मंद हूं मैं, ठीक उसी तरह ज्वाला।
जिस तरह मैं एहसान मंदू सेवा की, रूपवती इस वक्त तुम्हें एक एहसान और करना होगा मुझ पर। एहसान कैसा ज्वाला, बोलो क्या बात है? इस वक्त मैं देवा और बादल के सवालों के चक्रव्यूह में घिर गई हूँ रूपवती। चक्रव्यूह? हाँ रूपवती, सवालों का ये ऐसा चक्रव्यूह है, प्रश्नों की ये ऐसी दुराभिसंधि है जिससे निकलने का जरिया मेरे पास नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास है। वो कैसे सवाल और कैसे प्रश्न है देवा, जिसके चक्रव्यूह में तुमने ज्वाला को जकड़ रखा है? मैं बताता हूँ रूपवती, हमारे हर सवाल की शुरुआत होती है शनि से, और वो खत्म भी होते हैं जाकर शनि पर ही। रूपमती, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शनि जैसे वैश्य खूंखार दरिंदे के साथ आखिर ज्वाला का क्या संबंध हो सकता है? हैवान की और दरिंदगी के उस वजूद के साथ सिर्फ एक ही संबंध हो सकता है देवा, और वो है नफरत का। यही जानना चाहते हैं ये दोनों। देवा ये जानना चाहता है कि शनि के प्रति बेपनाह नफरत के बावजूद मैंने उसका अब तक कत्ल क्यों नहीं किया। देवा ये जानना चाहता है कि ज्वाला की वो कौन सी मजबूरी है जिसकी चौखट पर वो अपने वफादार हम साथियों की बलि चढ़ाने पर आमादा है। देवा ये भी जानना चाहता है कि मैंने शनि को मौत के बदले धन दौलत क्यों दी। और देवा ये भी जानना चाहता है, जो उसके लिए सबसे अहम सवाल है, कि मेरी आंखों में छलके हुए आंसुओं का शनि के साथ क्या संबंध है। हाँ रूपवती, मैं हर इन सवालों का जवाब चाहता हूँ, जवाब चाहता हूँ मैं हर इन सवालों का। ये ज्वाला का निजी मामला है देवा। ये ज्वाला का निजी मामला हो सकता है, लेकिन ये जुनून के सरहद को पार कर चुका है और बार बार हमारे प्राणों की आहुति मांग रहा है, और हम अपने प्राणों की आहुति जुनून की वजह जाने बिना कैसे दे सकते हैं? तो फिर क्या है तुम्हारा फैसला? क्या तुमने ज्वाला के साथ छोड़ देने का फैसला कर लिया है? हाँ, इस बर्बादी और जुनून के दामन को हमने छोड़ देने का फैसला कर लिया है। यही है हमारा फैसला, ज्वाला की संजान और बेवजह जुनून के खिलाफ। बादल, जुनून बेवजह नहीं होता, जुनून की एक वजह होती है, एक ठोस वजह, और ज्वाला की जुनून की ठोस वजह है देवा, क्योंकि इस जुनून का जन्म हुआ है एक दर्दनाक हादसे और एक हैवतनाक धोखे की कोख से। देवा, तुम्हें ज्वाला के मकसद में उसकी मदद करनी होगी, उसकी रक्षा करनी ही होगी मेरी खातिर। तुमने पहले भी इंसानियत के खातिर मेरा साथ दिया था, मेरे पति की रक्षा की। We'll be right back.
बचा। और फिर किस फरिश्ते ने आपकी जान बचाई? आपका बहुत खून बह चुका है, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो। आज मैं बच गया और जिंदा हूं रुक्मते। ये किसी फरिश्ते का एहसान है। नागराज, हाँ? यही है वो फरिश्ता जिसने आपकी जान बचाई। इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें उपचार की जरूरत है। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कैसा उपकार, ये तो मैंने इंसानियत के नाते किया। तुम्हारा ये एहसान सिर्फ इंसानियत के नाते था, और आज भी तुम उसी इंसानियत के नाते ज्वाला का साथ दो। और तुम भी बादल, तुमने जवाब नहीं दिया देवा। जवाब ना देने की एक वजह है। वो वजह क्या है? ज्वाला का साथ देने की तुम्हारी सिफारिश और उसके मकसद की पूर्ति में तुम्हारी दिलचस्पी का आखिर सबब क्या है? ज्वाला का साथ देने की मेरी सिफारिश का सबब है ज्वाला से मेरा बेपनाह अपनापन। और जहां तक ज्वाला के मकसद में मेरी दिलचस्पी का सवाल है, तो उसका सबब है शनि से हम दोनों की बेपनाह नफरत, इंतकाम। नफरत? इंतकाम? लेकिन शनि से तुम्हारा क्या वास्ता है? वास्ता है देवा, शनि ही है वो दरिंदा जिसने कत्ल किया है मेरे पति का, खून किया है मेरे सुहाग का। क्या नागमणि देवता का कत्ल हो गया? हाँ, मेरे सुहाग का कत्ल हो गया, खून हो गया मेरे अरमानों का, मेरे अतीत का और मेरे वर्तमान का। लेकिन शनि से नागमणि देवता की क्या दुश्मनी हो सकती थी? खुदगर्जी देवा, खुदगर्जी। खुदगर्जी? कैसी खुदगर्जी? बेपनाह लालच से जन्मी शनि की खुदगर्जी। वो मेरे पति की जान से भी अधिक मणि को हासिल करना चाहता था। वो मणि हासिल करना चाहता था? हाँ, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि नागमणि देवता का कत्ल हुआ कैसे। तुम्हें समझाने के लिए मुझे अपने दर्दनाक अतीत और सुलगते वर्तमान की गांठें एक बार फिर से खोलनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ जंगल में हम खाम खा भटक रहे हैं। जी, चलो, शनि आज मणि हासिल करके रहेगा। लेकिन उसके आसार तो अभी तक दिखे नहीं, ना ही नाग है और ना ही मणि। और आज इस अमावस्या की रात के बाद बची हुई उम्मीद भी ना उम्मीद की में तब्दील हो जाएगी। चलो लौट चलें शनि। बिच्छू, ना उम्मीदी की कोई भी दीवार मकसद और मंजिल के बीच में शनि को मंजूर नहीं। लेकिन हमें भी इस हद तक जंगलों में भटकना मंजूर नहीं शनि। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, ठीक है शनि। मणि की उम्मीद छोड़ो और वापस चलो। उम्मीद को मंजूर करो, तभी मंजिल मिलेगी। हाँ।
छुप जाना, तेरा यूं तरसाना मुझे कर दे दीवाना। कुछ तो भी